अभी हम लोग जहाँ पे थे वो इस तरफ था, वो साइड था, और ये इस तरफ है, मतलब उधर एक है इधर एक है। सो हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मेरा नाम राहुल कुमार और मैं सौरभ, और आप देख रहे हैं ओईटीवी व्लॉग्स। तो दोस्तों, अभी मैंने सौरभ को कॉल किया, बताया कि पूछा कि इससे क्या कर रहा है। तो इसने कहा कि बैठे बैठे बोरिंग हो रहा हूँ, क्या करे, कुछ काम नहीं है। तो हमने सोचा कि पास में एक जगह है कोल माइंस एरिया, तो वहाँ से थोड़ा घूम के आते हैं और आपको इस बहाने दिखा भी देंगे कैसा दिखता है, और हमारा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो फिर चलते हैं, चलिए। गाइस, ये जो जगह आपको दिख रहा है, यहाँ का आम बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी होता है, काफ़ी आम होता है यहाँ पर। और क्लास 7-8 पे मैं जब था तो हफ्ते में एक बार कम से कम आता था यहाँ पर आम लेने के लिए। घर जाओ दोस्तों, अभी दो दिन से बारिश नहीं हुआ है, इसलिए ये रास्ता थोड़ा ठीक है, नहीं तो लास्ट टाइम मतलब ये रास्ता बहुत ही ख़राब था। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ये ज्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, 3-4 किलोमीटर के अंदर ही है। 5 किमी के अंदर ही होगा, नहीं 4 किलोमीटर के अंदर है। सो सौरभ, कैसा लगा के यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं यार एक बात बता दूं कि ये यहाँ पास में रहता, लेकिन ये यहाँ पर आज पहली बार आया। आग दिखाई ना, ये देखिए आग जल रहा है अभी भी। चले जल जाओगे, पर वहाँ जाओगे अपने आप आग निकल रहा है। सो यहाँ पे उतना ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग अगर वो आगे तरफ थोड़ा जाएंगे वहाँ से पूरा सब कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ से उतना ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा आगे और जाएंगे जहाँ से पूरा नज़ारा दिख सके। तो अभी हम लोग एक और जगह पे आए हैं, और यहाँ का नज़ारा सच में कमाल का है। एक बार इसे जूम कर लेता हूँ, ये देखिए कोयला जा रहा है। हवा बहुत ही अच्छा चल रहा है, और अभी जो आपने देखा जो ट्रक में जो भर भर के कोयला जा रहा है, ये सब मतलब बड़े बड़े सब फैक्ट्रीज और प्लांट्स वहाँ पर जाता है, और कुछ कुछ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी जाता है, स्टेट के बाहर भी। तो आपको पूरा इसका गहराई दिखाता हूँ, इसका मतलब गहराई कम से कम 600-700 फीट तो कम से कम होगा, मतलब कैमरा में तो नहीं दिख रहा दोस्तों, लेकिन सच में ये मतलब बहुत नीचे है। एक बार इसको देख लीजिए, और यहाँ देखिए पूरा एकदम स्टेप स्टेप होकर बना है। वो देखिए ट्रक, ये देखिए देख रहा हूँ, ज़्यादा जंगल में फट जाता है यार। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आके। यार पीछे से ट्रक जा रहा, ट्रक। सर तुम इतना दिन क्यों नहीं आए यहाँ पे? मैं यहीं पे रहता हूँ, लेकिन मैं पहली बार देख के मैं तो ज़्यादा खुश हूँ। आज पहली बार देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये मेरे को बोल रहा है कि इसको मतलब ऐसे भी जगह है हमारे यहाँ पे, मेरे को तो पता ही नहीं था। मैं यहाँ पे कम से कम कितना बार आया पता है, कम से कम 15-16 बार कम से कम आ चुका यहाँ पे। तो दोस्तों आज हम थोड़ा फ्री थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए, लेकिन हम लोग अभी शूट स्टार्ट करेगा नया वीडियो रक्षाबंधन को, बहुत जल्द आपके लिए नया वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं। राखी का नया स्पेशल वीडियो कुछ आ रहा है, और उसका शूट आज से स्टार्ट होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, और शायद कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा। राखी के पहले आपके लिए, राखी के पहले हम लोग आपके लिए जरूर ला देंगे वीडियो। तो हाँ, 3 तारीख को राखी है, और बाकी हवा बहुत अच्छा चला ना, मजा आ रहा एकदम। पत्थर मारो ऐसे नीचे। गाइस ये घर देखिए, ये आपको क्या लगता है क्या होगा? अंदर ब्लैक बोर्ड भी है सर? हाँ ब्लैक बोर्ड दिख रहे हैं सर, स्कूल होगा कोई, नहीं पता मेरे को ठीक से। अभी यहाँ का नज़ारा जितना सुंदर लग रहा है ना, रात को इसका नज़ारा बहुत ही मतलब इससे भी दुगना अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ बड़े बड़े लाइट्स होते हैं, और इसलिए इसका नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी टाइम हो रहा है 6:15 बाकी है, अभी हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग जाना है हम लोग को, क्योंकि अभी हम लोग जिस रास्ते से आए थे अभी हम लोग उस रास्ते से नहीं जाएंगे, एक और रास्ता है आगे, आपको और भी अच्छा और भी थोड़ा कुछ दिखाना है। अभी हम लोग चलते आगे, मन नहीं कर रहा जाने का, हवा से बहुत अच्छा हवा लग रहा है, हवा लग रहा है, और जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलना पड़ेगा, तो आपको और भी चीजें दिखानी है। तो फिर कभी यहाँ पे आएंगे आपको इसके बारे में, मतलब आज तो बस शुरुआत था, लेकिन मैं आऊंगा इस जगह पर फिर से एक बार,
और मतलब आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा यहाँ पे क्या हुआ, कब बना, ये प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ का है, कौन सा एरिया में क्या है, सब सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और तो नीचे बाइक जाने के लिए अलाउ नहीं, नहीं तो नीचे हम लोग आपको जाके दिखाते हैं। देखिए बाइक अलाउ नहीं क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो यहाँ पे बाइक अलाउ नहीं है। तो चलिए भैया और चलिए चलते आगे आगे चलिए आगे और भी कुछ दिखाएंगे। मन नहीं कर रहे लेकिन जाने का, यहाँ से चलना पड़ेगा भाई। अरे गिरा 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 आ जाओ सरों। यस। तो दोस्तों अभी हम लोग एक और जगह पे आए हैं और इसका नजारा देखिए एक बार। तो ये एक और खदान है, इस तरफ है। अभी हम लोग जहाँ पे थे वो इस तरफ था, वो साइड था, और ये इस तरफ है, मतलब उधर एक है इधर एक है, दोनों खदान अलग अलग है। और दोस्तों ये जो पानी आपको दिख रहा है, ये आपको क्या लगता है, ये बारिश का पानी है? नहीं दोस्तों, बारिश का पानी नहीं है, ये जमीन के अंदर का पानी है, क्योंकि इसका गहराई तो मैंने आपको बताया कि 500-600 फीट कम से कम होगा इसका, उधर का भी 500-600 फीट, ये इधर भी 500-600। तो ये जमीन के अंदर का पानी है और यहाँ का पानी बाहर जाकर एग्जिट होता है बड़े बड़े खेतों में। चल चलते अभी आगे, चलिए। तो चलिए फिर अभी हम लोग चलते आगे। चाय दुकान खुला है यहाँ पे। दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा चाय पीने आए थे और मुझे एक दोस्त मिल गया मेरा, हम लोग आई टी आई में एक साथ पढ़ते थे, अमीर। सरब चाय कैसा है? बहुत बहुत टेस्टी चाय है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा चाय है। तो दोस्तों चाय वाय हमने थोड़ा पी लिया और दोस्त से भी थोड़ा बातचीत कर लिया, अंधेरा होने वाला नहीं तो थोड़ा सा रुक जाता। और तो अभी हम लोग वापस घर की ओर लौट रहे हैं। तो जिस रास्ते से हम लोग आए थे उस रास्ते से हमें लगा 4 किलोमीटर, और अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं इधर से हमारा घर है 6 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा। अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे आकर रुके हैं और हम लोग को थोड़ा भूख लगा है, इसको सैनिटाइज करना है पहले। सावन का महीना है इसलिए हम लोग भेज ही खा रहे हैं। खाना हो गया है और अभी टाइम 6:45 हो रहा है। yes, तो घर भी जाना है। सो दोस्तों अभी हम लोग घर पहुंच गए और सो होप कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और आने वाले वक्त में हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग लेकर आएंगे, कंटेंट लेकर आएंगे, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना तालचेर में, यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर जगह है, अच्छे प्लेसेस है, बहुत ही अच्छे। सो आपको हर जगह आपको दिखाएंगे क्या करके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका नाम है ओटीवी ब्लॉग्स, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसको भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय जगन्नाथ।